वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI स्टडी मटेरियल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग इस अगस्त में होने वाले CBT एग्ज़ाम के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आज मैं जो क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा 100% चांसेस है कि ये आपके CBT एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो अगर आपको भी अच्छे नंबर से पास होना है CBT एग्ज़ाम में तो हमारे वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करें। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है? तो जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है वो 1 होता है। तो पानी का विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था में बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है या छोड़ा जाता है? तो सेंसिबल ऊष्मा जो होता है, सेंसिबल ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था में बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है या तो छोड़ा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेंसिबल ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो जो फॉरेनहाइट स्केल होता है उसमें पानी का क्वथनांक जो होता है वो कितना डिग्री होता है? तो जो फॉरेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, वो 212 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 212 डिग्री फॉरेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन स्केल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? तो जो केल्विन स्केल होता है उसमें पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि जो फ्रीजिंग का पॉइंट है वो क्या होता है? तो केल्विन स्केल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 273 डिग्री केल्विन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 273 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 45 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू डिग्री फॉरेनहाइट, मतलब 45 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फॉरेनहाइट में परिवर्तित करें। तो जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम लोग फॉरेनहाइट में परिवर्तित करेंगे तो वो 113 डिग्री फॉरेनहाइट बन जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 113 डिग्री फॉरेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर फॉरेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर समान रीडिंग देते हैं? तो जो -40 डिग्री सेल्सियस पर तापमान फॉरेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर समान रीडिंग देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, -273 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन स्केल में परिवर्तित करें। अगर -273 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन स्केल में परिवर्तित करेंगे तो 0 डिग्री केल्विन प्राप्त होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 0 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 डिग्री फॉरेनहाइट का मान डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है? तो 20 डिग्री फॉरेनहाइट का मान डिग्री सेंटीग्रेड में -6.67 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी -60.67 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अधिकतम तापमान जो मर्क्यूरी थर्मामीटर द्वारा मापा जा सकता है, तो वो अधिकतम तापमान क्या है जिसे मर्क्यूरी थर्मामीटर द्वारा मापा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा 300 डिग्री। तो इसका वो अधिकतम तापमान 300 डिग्री है जिसको मर्क्यूरी थर्मामीटर द्वारा मापा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 300 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान मापने की उपकरण का नाम क्या है? तो ये चित्र में जो उपकरण है इसका नाम क्या है? तो बायोमेटेलिक थर्मामीटर कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बायोमेटेलिक थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का ऊष्मा संचारण भौतिक संपर्क के माध्यम से होता है? तो कंडक्शन का ऊष्मा संचारण भौतिक संपर्क के माध्यम से होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का ऊष्मा संचारण ऊपर की ओर प्रभाव द्वारा होता है? तो कन्वेक्शन
ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रभाव द्वारा होता है। तो इसका इसका राइट आंसर होगा बी, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। तो ये था वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि आपके सीबीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक करें, और अगर आपको और भी वर्कशॉप कैलकुलेशन के एमसीक्यू क्वेश्चंस को जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन के प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट जरूर से ज़रूर करें। और आईटीआई से रिलेटेड किसी भी अपडेट्स और एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।